हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तुमने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मेरा कीबोर्ड दिख रहा है भाई। तो यस, तुमने सही सुना, क्रिकेट 22 में कीबोर्ड सपोर्ट है भाई। तो आज हम ट्राई करके देखने वाले हैं कीबोर्ड से क्रिकेट 22 कितना अच्छा खेला जा सकता है, क्या बटन है। थोड़े बहुत मुझे पता है, बाकी हम डिस्कवर करते हैं। कुछ नहीं मिले तो ठीक है, जो बेसिक पता उससे ही खेल लेंगे। तो ट्राई करके देखते हैं यार, कीबोर्ड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहता है। क्रिकेट 19 मुझे बहुत क्वेश्चन आते थे कि भाई साहब, मेरे पास कंट्रोलर नहीं है, कीबोर्ड से खेल सकते हैं कि नहीं। इसमें ऑफिशियली कीबोर्ड से खेल सकते हो तुम, उसमें कुछ स्प्लिटर का सीन रहता है, बट इसमें कंट्रोलर की जरूरत नहीं है तुमको। कीबोर्ड से खेलो, मजे करो। करते हैं डायरेक्ट गेम में शुरू, मतलब घुसते हैं। मैंने कीबोर्ड का कैम ऐसा रखा है तो तुमको अच्छे से दिखे। पहले हमको बस एंटर दबा के इधर घुसना है अंदर। एंड एज ऑलवेज गाइस, 2000 लाइक का गोल है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करो कि कैसे खेल सकते हैं वो लोग भी कीबोर्ड से गेम। भाई देखो, थोड़े बहुत बेसिक कंट्रोल्स है, एडवांस मुझे ज़्यादा नहीं पता रहेगा। मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। मुझे पता है WASD और एरो की इससे कुछ है। थोड़ी बैटिंग, थोड़ी बॉलिंग, थोड़ी पेस बॉलिंग, थोड़ी स्पिन बॉलिंग, थोड़ी बैटिंग तो ठीक है, राइट ही लेफ्ट ही राइट ही से करेंगे। चलो ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, आ जाओ एंटर दबाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आई थिंक। और मैंने ये वाला रखा है तो तुमको ऐसे जो कोई मेरा बटन लाइट अप हो जाएगा, मैं किससे क्या दबा रहा हूँ तुमको ढंग से दिख रहा होगा। और इससे अभी हैंड कैम भी हो गया, ये तुमको जो चाहिए था। ये देखो डिफेंस, W से डिफेंस है। एरो किस से, यू कैन डिसाइड वेदर यू वेर यू वांट टू प्ले द शॉट। वेदर बोल दिया मैंने, क्या लसूं मैं भी। तो जैसे मुझे यहाँ खेलना है कवर्स पे, और मैंने यहाँ पे दबा दिया ये एस। एस से ग्राउंडेड है, डी से हवा में मारता है। एक सेकंड, डिफिकल्टी हर बार चेंज करनी रहती है, मैंने वो देखा था। अभी थोड़ा ग्लिची है, जैसे देखो मैं ये कर रहा हूँ ना, तो डबल बार मूव हो रहा है पता नहीं कैसे। तो ये लेजेंड, इसको भी हार्डेस्ट कर दिया मैंने। और एक बार इधर भी देख लेंगे। यहाँ पे देखो बैटिंग फ्री प्ले में, बैटिंग फ्री प्ले में यहाँ पे भी हार्डेस्ट करना पड़ेगा। और बैटर स्किल, प्लेयर स्किल, मतलब रूट है तो रूट की स्किल। चलो ठीक है, आ जाओ अभी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत खेल के देखते हैं क्या बटन से। समझ गए, WASD बताता हूँ मैं। W से हो गया डिफेंस, ठीक है। ये देखो W से डिफेंस है, W से। एक बार फिर से दिखाता हूँ भाई साहब। एंडरसन हेलो भाई, वीडियो बन रही है। हाँ देखो, W से डिफेंस है, कितना परफेक्ट है ना। और एरो किस में डिसाइड किया, जैसे मुझे ऑफ खेलना है तो ये, लेग खेलना है तो ये, पीछे खेलना है तो ये, सीधा खेलना है तो ये। अब मैं इसके कॉम्बिनेशन, जैसे ये कवर्स हो गया, ये थर्ड मैन हो गया, ऐसे करके खेल सकता हूँ। और ये देखो डी से लॉफ्टेड है, और ए से आई थिंक प्रिसाइज शॉट है, ए से देख लेता है मैं भाई। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, मतलब कीबोर्ड से मेरे को अच्छा लगा वैसे। ऑल दो आई एम गोइंग टू प्ले विथ कंट्रोलर ओनली, बट स्टिल जिन लोग को कंट्रोलर नहीं खरीदना है तो अब तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 3000 का गेम खरीदो, 3000 का कंट्रोलर लो। तुमको बस 3000 का गेम लेना है, कीबोर्ड तो है ही, खेल सकते हो अगर आपको करना है तो। इस वजह से मैंने बोला एक वीडियो बना दूँ, कितने लोगों को नहीं पता है। तो समझ गए, W से अपन को खेलना है डिफेंस, A से प्रिसाइज शॉट है। ये देखो A से प्रिसाइज शॉट, जिसपे एजी लग रही है। S से है ग्राउंडेड शॉट, D से लॉफ्टेड शॉट, ठीक है। और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है ये। अब इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत डिस्कवर किया है, एक कनेक्ट कर दे, रुक जाओ, एक लॉफ्टेड कनेक्ट करके देखते हैं पहले। कीबोर्ड से मुझे इजी लग रहा था, पता है मैं वीडियो के पहले ट्राई किया एक बार तो थोड़ा सा, बाकी मुझे कंट्रोल ज़्यादा समझ नहीं पड़े, मतलब मिले नहीं, मैंने बोला छोड़ो। लो भाई चक्का मार दिया, आइडियल आइडियल। कीबोर्ड से थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को टाइम करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी पता नहीं इतनी अच्छी नहीं आई, बट मैं पहले खेल रहा था भाई, बहुत बढ़िया टाइमिंग आ रही थी मेरी। अभी जैसे मैंने सिक्स मारा ना, ये देखो ठीक है, वो आइडियल एक सिक्स मार दिया, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट दबाने का, तो वो बैट ऊपर हो गया, समझ गए ना, आगे बढ़ के खेलने वाला है। ये देखो जैसे अर्ली मिस, ठीक है। तो आगे बढ़ के खेलना है आपको, शिफ्ट दबा देना है पहले ही। अब अनऑर्थोडॉक्स का मुझे बटन नहीं मिल रहा है, वो अगर नम पैड पे, तो क्योंकि मेरा पूरा पूरा प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड है, तो उसमें फिर स्कैम हो सकता है। क्या बोलते हैं कि नम, वो जो 10 की लेस रहता है ना, वो है मेरा कीबोर्ड शायद, गेमिंग कीबोर्ड जो भी बोलते हैं इसको, तो उसमें ये नम पैड नहीं है शायद, उसके अंदर बटन है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बाकी मुझे नहीं पता चल रहा। अबे आगे बढ़ना था यार, आगे बढ़ के एक शॉट खेल के देखते हैं हम। तो बेसिकली मैं थोड़े बहुत कंट्रोल्स बता रहा हूँ, जिसमें तुम एटलीस्ट थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हो। बाकी एडवांस तो भाई कहीं इधर किसी, मतलब कहीं पे मेरे को इसका मैनुअल मिला नहीं है, बाकी अगर कहीं है तो बताओ। और जिस बंदे को पता है सारे कंट्रोल्स, एक बार आप एक अच्छा सा कमेंट कर दो, मैं पिन कर दूंगा, तो और लोगों को भी पता चले, ठीक है। मुझे जो बेसिक पता था मैं बता रहा हूँ, और मेरे को तो बस मेन ये बताना था कि कीबोर्ड से खेल सकते हैं ऐसा भाई। आगे बढ़ के खेलने वाला, अभी थोड़ा बॉलिंग भी करके दिखा दूंगा मैं। तो कीबोर्ड का गेम प्ले ये है भाई, क्रिकेट 22 का खेल सकते हैं एटलीस्ट, और आई थिंक फुल कीबोर्ड पे तो रहेंगे सारे गेम। लो भाई चौका मार दिया, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और आई थिंक मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, बैकफुट के लिए आपको कंट्रोल दबाना है, ये कंट्रोल दबा के रखना, कंट्रोल दबा के रखा मैंने, अभी देखना। ये देखो बैकफुट पे खेलेगा,
बस ये मेरे को पता चल गया, एक सिर्फ अनऑर्थोडॉक्स का नहीं पता चला, बाकी मुझे सब पता चल चुका। हाँ बैट्समैन मूव कैसे करना वो भी नहीं मिला मुझे, मैंने सारे बटन दबा के देख लिए भाई, मुझे कहीं भी नहीं मिला। एज लगी भाई, बैकफुट वाला देख लो, बैकफुट आई थिंक ऑल्ट से भी हो गया था पता है, कंट्रोल से तो पक्का है, कंट्रोल राइट लेफ्ट दोनों चलेगा, शिफ्ट भी राइट लेफ्ट दोनों चलेगा, फ्रंट फुट में जो हवा में खेल रहा है वो वाला आगे बढ़ के जो खेलने वाला है, फ्रंट फुट बोल रहा हूँ मैं, ऑल्ट से नहीं है ठीक है, ये दोनों कंट्रोल से हो जाएगा बैकफुट और दोनों शिफ्ट से हो जाएगा, तुम आगे बढ़ के खेल सकते हो ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने होल्ड कर रखा है, ये देखो बैकफुट डिफेंस बहुत बढ़िया भाई, मिडिल भी हो गई। तो ऐसा करना है आपको, क्या समझे, W से डिफेंस है, A से प्रिसाइज शॉट, S से ग्राउंडेड और D से लॉफ्टेड शॉट, और एरो किससे तुमको जगह डिसाइड करनी कहाँ मारना है। यो भाई शॉट, अब किसी को पता है अनऑर्थोडॉक्स किससे खेलते हैं और बैट्समैन किससे मूव करना है वो तुम कमेंट कर देना, आई थिंक नमपैड से होता है। बाकी हम देखते हैं बॉलिंग थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा मैंने बोला एटलीस्ट बेसिक पता चल जाए लोगों को, क्या तो मज़ा आया थोड़ा। आ जाओ बॉलिंग चलते एक बार, बॉलिंग करके देखते हैं। बॉलिंग में भी आई थिंक थोड़ा मुझे इशू लग रहा था, जैसे ये देखो यहाँ पे है ना WASD मेरे ख्याल से ये है चार, ये जो है ना यॉर्कर फुल लेंथ एक गुड लेंथ और शॉर्ट बॉल, वो मुझे लग रहा है ये है। तो अगर ऐसा है तो डी मतलब शॉर्ट लेंथ होना चाहिए, तो डाल के देखते हैं देखो। और इसमें कैसे, इसमें भी लेफ्ट स्टिक कहाँ है मुझे पता नहीं भाई, वो आई थिंक नंप पैड में होगा तो मालूम नहीं। बाकी यहाँ से जैसे मैं डी डाला तो बॉलर रन अप पे आ जाता है, आफ्टर टच मैं एरो किससे कर सकता हूँ, नहीं इसमें वो नहीं हो रहा, ये वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं आउट स्विंग इन स्विंग का सीन है ये, क्योंकि देखो बाउंस इतना नहीं हो रहा, वो बाउंसर तो होनी चाहिए थी। जैसे ये क्या है, ये फुल बॉल, तो मुझे बेसिक पता चल गया एटलीस्ट तुम बॉल कैसे डाल सकते हो, बाकी आफ्टर टच कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी इससे है देख लो। जिसको पूरे कंट्रोल्स पता है एक बार कमेंट जरूर कर देना, आई विल डेफिनेटली पिन योर कमेंट, ताकि लोगों को पता चल जाए। एंड वीडियो का जो, चलो इसमें तो यही पिन करवाएंगे ठीक है। एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट यू कैन यूज सुपर चैट, सुपर थैंक्स फीचर एज वेल टू सपोर्ट मी फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। तो WASD ये तीनों से तुम कोई ना कोई बॉल डाल सकते हो, क्योंकि ये मुझे लाइन लेंथ का समझ नहीं पड़ रहा। और मैं बता देता हूँ एक दो बटन जो मुझे पता है, बाकी ये मेरे ख्याल से ये जो नम पैड है उसमें ही होगा सब, और खुद से नहीं लगा सकते। तो अगर तुमको खेलना है तुमको फुल कीबोर्ड चाहिए आई थिंक, और किसी को सारे कंट्रोल पता है वही मैंने कमेंट करना ज़रूर। और ये सी से वो आँख उजाला जो आगे, और मेरे को ये पता चल गया बॉलर को एंगल कैसे चेंज करना है, इट्स जे एंड एल, ये देखो जे दबाया मैंने तो इधर आ गया, ये एल दबाया तो इधर आ गया, और राउंड द विकेट जाना है तो एल दबाना है मुझे वापस। और वेरिएशन शिफ्ट से है, देखो जैसे मैंने शिफ्ट दबाया और इसके बाद मैं डालता हूँ ये, डालता हूँ एस, देखते क्या डालता है। इस पर शिफ्ट दबाने से वो आ जाता है कटर बाउंसर, वो ये पता नहीं क्या डल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि ये खाली सीधी सीधी बॉल जा रही है, कुछ हो नहीं रहा इसमें से, कौन सी बॉल डल रही है मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो लेफ्ट में जो है वो कहाँ से यूज़ करना पता नहीं। ओह ओके, ये कटर थी शायद, और मैंने आफ्टर टच भी बहुत ज़्यादा कर दिया इधर, मैं जस्ट देख रहा था क्या ये। और यहाँ पे एक नॉर्मल डिलीवरी डालते हैं, ये क्या हुआ भाई, W से शायद बाउंसर हो जाएगा क्या, अभी पता चल जाएगा आई थिंक, देखते हैं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा इसमें मुझे, बट ठीक है एटलीस्ट यू कैन प्ले परफेक्ट बॉलिंग, ऐसी तो तुम कर ही सकते हो एटलीस्ट। अब बाकी सारे कंट्रोल्स अगर तुमको पता है तो कमेंट करो, मुझे अगर पता चलेगा तो मैं डालता रहेगा। तो क्या समझे, बस इसमें से कोई भी एक बटन दबाना है, और आफ्टर टच तुम लेफ्ट की से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डी दबा दिया, आफ्टर टच इससे तुम कर सकते हो, अभी पीछे रख के देखता हूँ मैं। अरे उसके बाद जंप के टाइम WASD ए से नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये WASD है, ये फास्टर स्लोअर है ना जो, ये WASD है, ये देखो ये हो गया बस, और आफ्टर टच तुम इससे कर सकते हो ठीक है, समझ गए बॉलिंग का। अभी स्पिनर में भी देख लेते, स्पिनर में भी ऐसा ही कुछ सीन है, बाकी ये छोटे कीबोर्ड का प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, या फिर इसमें अभी कंट्रोल्स इतना ऑप्टिमाइज नहीं है नहीं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं इसमें कंट्रोल सेक्शन में, कीबोर्ड कंट्रोलर के कंट्रोल्स दिखाता है। एक बार बॉलिंग करते हैं, स्पिनर से भी दिखा देता हूँ मैं एक बार, हम ले लेते हैं ऑफ स्पिनर ठीक है, मोइन अली आ जाएंगे और मैं दिखा देता हूँ उसमें भी कैसे करना है। उसमें भी यही है बॉलर मूव इससे होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा भाई किसी से ही ना हो रहा। अबे ये पिछली बार भी कुछ स्कैम हुआ था, मेरे को गेम रीस्टार्ट करना पड़ा था, इसका आई थिंक ग्लिची है या कुछ तो सीन है भाई, मुझे नहीं पता कुछ तो सीन है, मैं एक सेकंड देखता है फिर रिज्यूम करता है। यस सो गाइस आई हैड टू रीस्टार्ट द गेम, एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ऐसा कुछ ग्लिच ना है, इसके लिए तुम्हें ना गेम में कंट्रोलर से घुसो, जैसे अभी मैंने कंट्रोलर पे एक्स दबा के, खाली गेम में घुसने के लिए कंट्रोलर, अभी यहाँ भी जो पूछा ना एंटर नहीं, यहाँ एक्स दबाना है, वो बॉलिंग में वरना इशू हो रहा है मेरे को, मैंने दो तीन बार ट्राई कर लिया इतने में। ये देखो अभी गेम में ऐसे घुसा, अभी मैं खेल चाहे कीबोर्ड से लूँगा, देखो यहाँ पे कीबोर्ड ऐसे कर दिया मैं, ये शॉर्ट सिलेक्शन और ड्राइव मार दी, तो ये ठीक है, ये दिक्कत नहीं। आ जाओ एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ स्पिनर, बॉलिंग फ्री प्ले
अबे आजा भाई। अच्छा ओके, उसमें वो स्पिनर वाला देख लेते हैं, बाकी फील्डिंग विल्डिंग का तो अभी कुछ पता नहीं, बट कीबोर्ड सपोर्ट अवेलेबल है भाई इसमें तो यार। ये मेरे को अच्छा डिफिकल्टी कम हो गई इसमें अपने आप, वापस रिस्टार्ट किया ना गेम। ये देखो ये एक ही लेंथ पे डाल रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम WSD से एटलीस्ट बॉलिंग कर सकते हो आफ्टर टच एरो की इससे। एंड इसके बाद हम देख लेते पहले डिफिकल्टी हो जा भाई। ये थोड़ा देखो है ग्लिची, गुस्सा आया मुझे बट क्या बोलूँ अब। देखो ये सेटअप, बॉलिंग सेटअप, इसमें भी देखो एक तो रीस्टार्ट होता है गेम तो चद्दर हो जाती है गेम की। इसमें हम बॉलर में ले लेते हैं ऑफ स्पिनर, आई थिंक अब ना होनी चाहिए दिक्कत, अब हो रही है तो मुझे पता नहीं। स्पिनर में भी यही चार बटन से देखो कुछ भी बॉल, जैसे अभी मैंने एस दबा दिया, इसके बाद आफ्टर टच इससे ही होगा लिंग कंट्रोल। ये देखो आफ्टर टच किया मैंने, आफ्टर टच कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वही पता नहीं है क्या बॉल डाल रहा है। ये WASD आई थिंक यॉर्कर फुल गुड शॉट होना चाहिए बट वो भी नहीं हो रहा है, तो ये है क्या मुझे पता नहीं ब्रो। तुम लोग को क्या लगता है क्या है ये वो बताओ। ये तो ऑफ स्पिनर थी भाई नॉर्मल, ये तो अच्छा ये है क्या, ये लेफ्ट स्टिक के हैं क्या फिर ये। अभी देखो एस दबाया मैंने तो आर्म बॉल जाएगी, अच्छा होल्ड करके रखो तो पता चल जाएगा ना मुझे। हाँ ये आर्म बॉल ये है, ओके ये जो लेफ्ट है ना ये, अच्छा लेफ्ट स्टिक, अबे नहीं दिख रहा ना, लेफ्ट स्टिक है ये, लेफ्ट स्टिक है WASD, ये लेफ्ट स्टिक है। हाँ ये आर्म बॉल ही जा रही है आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आर्म बॉल है। ये देखो एक बार ये देख लेते हैं, हाँ ये कौन सी टॉप स्पिन डाली मैंने। हाँ अबे टॉप स्पिन लेकिन इतनी ज़्यादा स्पिन ना होती पता नहीं, बट मैं ये बता दिया तुमको एटलीस्ट कि तुम खेल सकते हो। ये थोड़े बहुत बटन, हाँ ओके ये लेफ्ट ही पक्का है, तो दूसरा थी 100% पढ़ के इधर वापस डाल के देख लेते हैं दूसरा, तो मुझे दिक्कत नहीं। ये देखो हाँ बस ये दूसरा है, ठीक है तो ये लेफ्ट स्टिक है, समझ गए लेफ्ट स्टिक है। और ये यॉर्कर फुल लेंथ ये पता नहीं कैसे डिसाइड हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ पड़ रहा। मैंने एक बार दो बटन एक साथ दबाए, कुछ हो रहा है क्या देखें। अच्छा नहीं नहीं हुआ ना, वो तो पहले ही दब गया। ठीक है तो एटलीस्ट तुम ये चार डिसाइड कर सकते हो, बाकी फ्लाइट गुड शॉट और ये कैसे करना है मुझे वो नहीं पता फिर। ओके तो पेसर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वही है तो तुम लोग को क्लियर मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार राइट आर्म मीडियम करके देखते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम, चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो अभी देखते हैं, देखो जैसे मैंने दबाया ए तो ये आउटस्विंग होनी चाहिए, ठीक है। वैसे यार ये गेम में ना अभी नेट्स में स्विंग के फिजिक्स अलग हैं भाई साहब, ये तो पत्थर फाड़ दिए भाई, पत्थर फेंका है बेटे। और स्पीड मत देखना भाई, वो स्पीड ग्लिच है कुछ दिखा रहा है वो। ये देखो जैसे मैंने ये दबाया, अबे आउट भाई यार वीक इनपुट है तो कैसे होगा आउटस्विंग। किस में पता चल जाएगा, आई थिंक एस दबाते हैं स्लोअर में पता चल जाएगा ना, स्लोअर कितनी स्लो जा सकती। हाँ ये मुझे वही लग रहा है, वही सीन है ये, इसकी तो स्लोअर भी थी। स्टैंडर्ड डालते हैं, मैंने W दबाया है तो ये स्टैंडर्ड का लेफ्ट ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड। हाँ मुझे यही लग रहा है सही, क्योंकि सीम हो गई वो पढ़ के, बाकी स्टैंडर्ड। एक बार इनस्विंग डाल के देख लेते हैं, स्विंग नहीं हो रही है इस गेम में, दिक्कत मुझे वहीं लग रही है। ये इनस्विंग भी आउटस्विंग हो रही है, पता नहीं क्या है। हाँ आई थिंक ये लेफ्ट से ही है, तो देख लेना भाई तुम्हारे हिसाब से। मैंने बैटिंग बता दिया, मतलब ऑल यू हैव टू डू इज WASD से तुमको ये लेफ्ट स्टिक समझ के खेलना। बैटिंग में तो क्लियर वही था पूरा, नहीं बैटिंग में तो वो था ना WASD, वो था मतलब W से डिफेंस था, A से प्रिसाइज शॉट, S से ग्राउंडेड शॉट, D से लॉफ्टेड शॉट, ठीक है। और शिफ्ट दबाने का, उससे तुम आगे बढ़ के खेल सकते हो। एंड कंट्रोल से बैकफुट शॉट, अनऑर्थोडॉक्स का नहीं पता, सारे कंट्रोल्स तुमको पता है कमेंट में लिख दो, आई विल पिन दैट फॉर श्योर। एंड ये है ये जो बटन्स हैं एरो कीज, इससे तुम शॉट सिलेक्शन कर सकते हो बैटिंग में। और बॉलिंग में तुमको ये चार ही यूज़ करने हैं WASD, बाकी मुझे पता नहीं कैसे है ये सब। और बॉल वेरिएशन शिफ्ट से, मतलब RT शिफ्ट, ठीक है, जिससे तुम ये कर सकते हो अभी ऐसे यहाँ क्रॉस सीम। अरे इसमें भी पता चल जाना चाहिए ना यार, बाउंसर वाउंसर डल के जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा पता है। तो ऐसा कुछ सीन है, आई थिंक द ट्रैप्स ऑफ आर वीडियो ये वाला मैंने ट्राई किया कि तुमको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, ताकि तुम इन्जॉय कर पाओगे, तुम्हारे पास कंट्रोलर नहीं है तो। तो अभी बेसिक्स तो हैं, थोड़ा बहुत तो तुम खेल सकते हो, बाकी एडवांस कंट्रोल्स अगर मुझे कहीं से मिलते तो ही मैं ये वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, या मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा वो तुम लोग बता देना। और किसी को पता है अगर कोई कर देगा तो नीचे आकर चेक कर लेना भाई, पिन हो जाएगा किसने भी, मतलब जिसने खेला होगा। ये ऑफ कटर पक्का, ये लेफ्ट स्टिक है, ये लेफ्ट स्टिक है जो ये तीन चीज़ें ना, ये लेग कटर। तो बंद करते हैं फिर ये वीडियो, चलते हैं लास्ट बॉल देख लो। हाँ ये लेफ्ट स्टिक है पक्का, ठीक है समझ गए बेसिक्स आई थिंक। नहीं तो तुम एक बार वापस गो थ्रू करना वीडियो के, जैसी वीडियो बनी मैंने सोचा ट्राई करके बता दूँ। फील्डिंग तो अभी आई नहीं है बट उसका भी कुछ सीन होगा तो अपन बनाएंगे, बाद में ट्यूटोरियल सीरीज बनेगी अगर हम सीख गए थोड़ा बहुत खेलना तो।
बाकी आओ फिर कभी स्ट्रीम पे यार, मतलब जो नहीं आते हैं बाकी आते ही हो तुम लोग, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि वो क्रिकेट 22 कीबोर्ड के साथ भी खेल सकते हैं फन के लिए। बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, पैसे भी बचेंगे कंट्रोलर के। एंड उसके बाद स्ट्रीम हो रही है भाई, अभी कल होगी, आज सिनेरियो संडे था, बाय द वे सिनेरियो नहीं आया क्योंकि अब थोड़ा न्यू गेम आया, थोड़ा बहुत देखे ना यार, हम भी थोड़ा बहुत बनाए कंटेंट, अभी तो बहुत हैंडफुल ऑफ कंटेंट आने वाला है, सो बने रहो, अभी गेम आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल आरकेपीएल की स्ट्रीम में, बाकी ट्यूसडे को हम शायद ये खेल लें वापस स्ट्रीम पे, आओ जरा देखते हैं नेट्स पे एशिया कप के, या तो बात खेल लेंगे या पहले ही खेल लेंगे मतलब पूरी स्ट्रीमिंग, सो देखते हैं। चलो बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चाहिए, 3-4 बार बोलो लेकिन करते नहीं हो तुम, कर देते मतलब, ठीक है चलो बाय।